नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं वीके शुक्ला आपको यूपीएसआई का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो अंग है मूल विधि, उससे जुड़े हुए सभी बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। दोस्तों, संस्थान की तरफ से यूपीएसआई के लिए एकलव्य बैच को संचालित किया जा रहा है, जिसका ध्येय संस्थान का है कि अधिकतम से अधिकतम सफलता, अधिकतम से अधिकतम सिलेक्शन देने का प्रयास। संस्थान इसके लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है, आज भी प्रतिबद्ध है। हम बेहतर करते हैं आपके लिए, इसीलिए संस्थान ने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एक टेलीग्राम नंबर दिया, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है संस्थान का, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। वह इसलिए दिया गया है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं यूपीएसआई के लिए, चाहे वह संस्थान में प्रवेश ले रहे हों या ना ले रहे हों, संस्थान उन्हें बेहतर दिशा निर्देश, बेहतर चीजें प्रदान करने के लिए उस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन करिए जो भी व्यक्ति हैं। और संस्थान की तरफ से जो ये बैच संचालित किया जा रहा है एकलव्य बैच, इसके बारे में हम आपको बता दें कि क्या चीजें, किस तरह से आप संस्थान में जो एकलव्य बैच चल रहा है उसमें किस प्रकार से आप एडमिशन की क्या प्रक्रिया है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, उस पर आपको एंट्री यूपीएसआई लिखना है, एंट्री यूपीएसआई 2021 लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, जो भी प्रयनी किस तरह से एडमिशन की प्रक्रिया है, कैसे आप एडमिशन अपनी अपने एडमिशन को सुनिश्चित करा सकते हैं, उस सभी चीज़ों के लिए आप संस्थान की तरफ से आपको आपसे संपर्क किया जाएगा। फिर आप उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए संस्थान में इस एकलव्य बैच में अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं, या आप अन्य परिस्थितियों में ये जो नंबर दिए गए हैं संस्थान के, इन नंबर्स पर भी कॉल करके एडमिशन की प्रक्रिया को जान सकते हैं कि किस तरह से एकलव्य बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, हम बेहतर हमेशा करते हैं, संस्थान हमेशा प्रतिबद्ध रहा है आप लोगों के लिए बेहतर देने के लिए, है ना। इस बार मूल विधि को यूपीएसआई में ज़्यादा तरजीह दी गई है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, रखा गया है, और एक ऐसा ये बिंदु है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक विषय रहता है जिसके लिए बच्चों के मन में, जो अभ्यर्थी होते हैं उनके मन में बड़ी ऊहापोह की स्थिति रहती है कि हाउ कैन वी सर्वाइव, हाउ कैन वी डू, ठीक है, बेस्ट, हम किस तरह से सबसे बेहतर कर सकते हैं। मूल विधि होता है, मैथ आप पढ़ते रहते हैं, रीजनिंग पढ़े रहते हैं, सारी चीजें आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े रहते हैं, लेकिन ये मूल विधि एक ऐसा विषय यूपीएसआई के लिए रखा गया है जिसको आप कभी भी आपसे जो है रूबरू नहीं हुए रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ऊहापोह की स्थिति रहती है बच्चों के मन में, संदेह रहता है कि हम कैसे पढ़ें, किस तरह से उन चीज़ों को सर्व हैंडल किया जाए। तो मैं आप सभी को अपनी तरफ से, संस्थान की तरफ से ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं कि मूल विधि का एक भी प्रश्न मैं गलत नहीं होने दूंगा। प्रश्न केवल कंडीशन उसकी इतनी है कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। मैं इस बात की पूरी जवाबदेही देता हूं कि यदि 25 क्वेश्चन आपके मूल विधि के आ रहे हैं तो 22 और 23 क्वेश्चन हम आपके नोट्स से होंगे आपके, ठीक है। जो यहाँ लेक्चर डिलीवर करेंगे, जो चीजें, जो जिन बिंदुओं को हम यहाँ पर बताएंगे, उन बिंदुओं को आप पढ़ते चलिए, समझते चलिए, देखते चलिए किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम सभी लोग मूल विधि को पढ़ेंगे, है ना। तो ये नंबर्स हैं संस्थान के जिन पर आप फोन कर सकते हैं, या इस नंबर पर आप जो है एंट्री यूपीएसआई 2021 लिखकर इस पर व्हाट्सएप करिए, इसके बाद आपको प्रक्रिया सुनिश्चित करिए। बहुत जल्दी आपको सारी क्लासेस जो है डेमो मिल ही रहे हैं और भी मिलते रहेंगे, तो इस तरह से आप अपनी प्रवेश प्रक्रिया को सुनिश्चित करा सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे यूपीएसआई में जो मूल विधि का सिलेबस है, यानी पाठ्यक्रम के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि उस पाठ्यक्रम में कुल कितने सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट्स की, उन विषयों की क्या महत्ता है, किस तरह से हम एक एक चीज को, एक एक विषय को कितने दिनों में पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, कैसे हम उनसे बनने वाले प्रश्नों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे की चर्चाओं को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, पाठ्यक्रम की बात हम करते हैं पहले।
ठीक है, क्या हमारा सिलेबस है, यानी किन किन बिंदुओं को, किन किन विषयों को हम लेकर चलेंगे यूपीएसआई में, जो जो जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला है भारतीय दंड संहिता, है ना, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडियन पिनल कोड, है ना, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम आईपीसी। ठीक है, आईपीसी के अंदर क्या होता है, धाराओं का समन्वय होता है, यानी कौन सा कृत्य किस अपराध का सृजन करता है और उस अपराध के लिए दंड की क्या व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां पर, आईपीसी में, यानी भारतीय दंड संहिता। दूसरा विषय आपका रहेगा दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ठीक है, इसे शॉर्ट में कहते हैं सीआरपीसी। कभी कभी बच्चों को यह बड़ा भ्रम होता है कि क्या ये दोनों एक ही है, नहीं, दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, दोनों के विषय की महत्ता अलग है, दोनों में चीजें अलग अलग लिखी है। अभी मैं आगे थोड़ी देर बाद फिर चर्चा करूंगा आपसे कि ये दोनों सब्जेक्ट है क्या, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। कई बार बच्चों को ये रहता कि नहीं ये दोनों एक ही है, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, नहीं एक नहीं है, बोथ सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, दोनों विषय अलग हैं, दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, दोनों सब्जेक्ट दोनों विषयों की अपनी भूमिका है। ठीक है, इनसे किस तरह से प्रश्न बनते हैं, कैसे क्वेश्चन रेज होते हैं, अभी हम इस पर भी चर्चा आपसे आगे करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो इसका है वह है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी एंटी करप्शन एक्ट। ठीक है, यानी लोक सेवकों के ऊपर जो उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है, पारितोषण दिया जाता है, ठीक है, उसके अलग जाकर यदि कोई लोक सेवक किसी कार्य को करने या ना करने के लिए, दोनों के लिए डू और नॉट टू डू, है ना, डू और नॉट टू डू के लिए कोई रिश्वत लेता है, कोई पारिश्रमिक ग्रहण करता है, यानी वैध पारिश्रमिक से भिन्न, अर्थात हम एक लोक सेवक हैं, मैं एक जज हूं और मुझे उस काम को करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही, पेमेंट कर रही है, लेकिन मैं उस पेमेंट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कोई पारितोषण ले रहा हूं, कोई धन ले रहा हूं, कोई गिफ्ट ले रहा हूं, दैट इज कम विद इन द परव्यू ऑफ द डेफिनेशन कवर्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो क्या होगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वो सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, अगला एक्ट जो है हमारा महत्वपूर्ण है वो है सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई जिसे हम कहते हैं। ये एक्ट हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एक का के अंतर्गत, यानी 19(1)(a) जहां पर आपको दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंतर्गत पहले भी ये अधिकार सृजित था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राइट टू नो इज अ फंडामेंटल राइट्स कवर्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 19(1) का भारतीय संविधान के अंतर्गत जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसके अंतर्गत हर नागरिक को जानने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन बाद में 2005 में राइट टू नो को सूचना के अधिकार अधिनियम को क्या कर दिया गया, फ्रेम कर दिया गया, ताकि सरकार की जो कार्यप्रणाली है, सरकार की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली में पारदर्शिता लाई जा सके। आप सरकार की किसी भी कार्यप्रणाली को, किसी भी चीज को जानना चाहते हैं, आप एक सादे पेपर पर एप्लीकेशन लिखिए, 10 रुपए का नाम जुडिशियल स्टाम्प लगाइए, भेज दीजिए, वहां से आपको एसेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट आपने मांगी है वो आ जाएंगे। क्लियर, हालांकि सूचना के अधिकार अधिनियम में पहली अनुसूची के अंतर्गत कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें
मना किया गया है, जिनके बारे में यह कहा गया है कि ऐसी सूचनाएं आपको प्रेषित नहीं की जाएंगी, आपको प्रदान नहीं की जाएंगी। अगला जो नियम है जो महत्वपूर्ण है वो है एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, यानी एससी और एसटी जो हैं, उनके ऊपर जो तमाम प्रकार के अत्याचार होते हैं, एट्रोसिटीज होती हैं, ठीक है, तो उन एट्रोसिटीज को, उन अत्याचारों को रोकने के लिए इस अधिनियम का फॉर्मेशन किया गया 1989 में, ठीक है। हालांकि पहले भी इस तरह की चीजें थी जो क्या होती थी, सिविल राइट्स के अंतर्गत आती थी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, लेकिन वहां पर इसका स्कोप थोड़ा सा कम था, वहां केवल अस्पृश्यता के आधार पर निर्योग्यता यदि कोई व्यक्ति करता था, यानी अस्पृश्यता में से छुआछूत के आधार पर हमने कहा देखो भाई आप फला जात के हैं, ठीक है, आप हमारे पास नहीं बैठे, ये क्या हुआ, छुआछूत के आधार पर आपने एक निर्योग्यता को उत्पन्न किया, ठीक है, लेकिन वहां पर दंड की मात्रा कम थी। तो यहां पर उन्होंने एससी एसटी एक्ट में कह दिया कि यदि अस्पृश्यता के आधार पर आप निर्योग्यता उत्पन्न करते हैं तो यह क्या होगा, संज्ञेय अपराध बना दिया, उन्होंने अपराध को संगीन बना दिया, गंभीर बना दिया अपराध को, है ना, इसलिए इस एक्ट को लाया गया, कौन सा, एससी एसटी एक्ट, जिसे कहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अगला एक्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए घरेलू हिंसा, तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता क्या क्या है, घरेलू हिंसा आप किसे मानेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, क्या घर के अंदर वायलेंस करना ये डोमेस्टिक वायलेंस है, हम घर के अंदर रह रहे हैं, क्या घर के अंदर जो वायलेंस हो रहा है वो डोमेस्टिक वायलेंस होगा या नहीं होगा, डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी क्या होगी, डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे कैटेगराइज किया जाएगा, किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा है उसे बांझ कहा जाता है, यह डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी महिला को किसी बात के लिए मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है यह डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल एब्यूज करना इट इज अ डोमेस्टिक वायलेंस, यह डोमेस्टिक वायलेंस है, ना कि घर के अंदर किसी भी तरीके से कुछ कहा सुनी हो गई, यह डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, घर के अंदर कुछ कहा सुनी हो गई महिला जाके डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत FIR दर्ज करा दे, क्या वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत रिलीफ पाएगी, नो, लेकिन यदि वहां पर किसी महिला का शारीरिक यानी फिजिकल एब्यूज, मॉनेटरी एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज या मेंटली एब्यूज किया जाता है, उसका हरासमेंट किया जाता है, तब वहां पर महिला को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपचार मिलता है। हालांकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसकी जो प्रक्रिया है यह स्पष्ट नहीं हो पाती कि क्या यह सिविल प्रक्रिया होगी या क्रिमिनल प्रोसीडिंग इसकी चलेगी, है ना, क्योंकि इसका आधा एक्ट जो है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको देखिएगा इसमें, यह आधा एक्ट अपने आप में सिविल नेचर का है और आधा अपने आप में क्रिमिनल नेचर का है, है ना, कुछ इसकी प्रक्रियाएं, कुछ ऐसी कार्रवाइयां हैं जो सिविल नेचर, सिविल मीन्स दीवानी, दीवानी का अर्थ होता है जो जमीन जायदाद से जुड़े हुए मुकदमे होते हैं उन्हें हम सिविल कहते हैं, और आपराधिक यानी मारपीट, कत्ल, फौजदारी, दंगा फसाद, ये सब क्या है, आपराधिक होता है, क्रिमिनल, ठीक है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। अगला हम पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज का लेना देना,
दोनों अपराध है, एक ही काम अपराध नहीं है कि दहेज ले रहे वही अपराध है, नहीं, दहेज देना भी अपराध है, यानी जितना एक व्यक्ति दोषी है उतना ही दूसरा व्यक्ति भी दोषी होगा। केवल दहेज लेना अपराध नहीं है, दहेज देना भी अपराध है। यदि वधु पक्ष वाले वर पक्ष को किसी भी प्रकार से दहेज देते हैं तो वो भी अपराध के दोषी होते हैं, ठीक है। इसीलिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा लिखाया जाता है उसमें जो लड़की का पक्ष होता है वह कभी भी दहेज शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, वो कहता है बतौर गिफ्ट, बतौर दान हमने ये चीज दिया है इनको। अगर उसने लिखा दिया कि बतौर दहेज हमने दिया है तो उसके साथ साथ ये भी अपराधी हो जाएंगे, ठीक है। तो दहेज लेने देने की परिस्थितियां कब अपराध बनेंगी, किन किन परिस्थितियों में कैसे होगा, वो सारा कुछ हम यहां देखेंगे, कहां पर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध किस तरह से संज्ञेय होगा, जमानती होगा, अजमानती होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें यहां पर। अगला एक्ट जो है वो है यातायात अधिनियम, यातायात अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट है ना अधिनियम। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट में सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं, केवल यातायात से जुड़े हुए जो सिंबल होते हैं, जैसे आप कभी रोड पर जाइए तो देखिए रोड के बीचों बीच ऐसी दो सफेद पट्टी होती है, कभी कभी किसी किसी रोड में एक ऐसी सफेद पट्टी ऐसे गैप देकर खींची होती है, ठीक है। आगे जाइए आपको एक बोर्ड लगा होगा, वो इस तरह का बोर्ड होगा, ठीक है। आगे जाइए इस तरह का बोर्ड लगा रहता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इन सिंबल्स का अर्थ क्या है, ठीक है, इन सिंबल का क्या अर्थ होता है जो रोड पर इस तरह लगे होते हैं, ठीक है। पीली पट्टी लगी रहती, कहीं कहीं पर आप देखिए पीली पट्टी लगी रहती है, कहीं कहीं सफेद पट्टी लगी रहती है सड़क के किनारे, उनके अर्थ क्या होते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं। तो यातायात अधिनियम के तहत हम लोग सिंबल पर चर्चा करेंगे कि जो यातायात चिन्ह होते हैं इनके अर्थ, पुराने पेपर आप उठा के देखिएगा दोस्तों, आपको इनसे जुड़े हुए प्रश्न जरूर मिलता है कि इन सिंबल्स के अर्थ क्या होते हैं, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज सिंबल्स जो रोडों पर लगाए जाते हैं, हाईवे पर लगाए जाते हैं, इनके सिंबल के अर्थ क्या होते हैं। तो यहां से प्रश्न आपका एक क्वेश्चन 110% मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक प्रश्न आपका यहां से बिल्कुल फिक्स रहता है। कुल मिला के 25 से 30 प्रकार की ये सिंबल हैं, बहुत ही आसान है, एक लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा उनके ट्रिक बता दूंगा कि किस तरह से उन सिंबल्स को आप याद करेंगे। एक लेक्चर में आपका एक नंबर का प्रश्न मैं यहां से तैयार करा दूंगा यातायात सिंबल से, 110% आप कभी भी पुराने पेपर यूपीएसआई को उठा के देख लीजिए, आपको हर एग्जाम में एक दो प्रश्न सिंबल से जुड़े हुए मिल जाएंगे, क्लियर। अगला एक्ट जो है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो रहेगा दोस्तों हमारा आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम। हालांकि आयकर अधिनियम अपने आप में बहुत ब्रॉड है, ठीक है, बहुत बड़ा अधिनियम है ये, लेकिन आयकर अधिनियम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जैसे पैन कार्ड होता है ना, पैन नंबर क्या होता है, पैन नंबर के बीच में आप देखिए एक जगह पर इस तरह से नाम लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए पैन नंबर ऐसे रहता है CROPS 81A, इस तरह रहता है, ठीक है। तो ये जो पी लिखा है ना, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये किस चीज को डिनोट करता है, या पैन के संबंध में आयकर अधिनियम की कौन सी धारा है जो पैन नंबर के संबंध में डिनोट करती है कि पैन हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, या पैन की उपयोगिता क्या है, पैन क्या होता है, ये सब चीजें हम आपको पढ़ेंगे जब आयकर अधिनियम, तो बताएंगे ये जो पी लिखा है व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या, मीन्स परमानेंट नंबर है ये, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। तो ये सारी चीजें, ये किस चीज को डिनोट करता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कब, जब हम अगले जहां पर हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है।
उसके बाद आयकर अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आयकर के दायरे में आती हैं और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो आयकर के दायरे के बाहर होती हैं, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनकम टैक्स के अंतर्गत आती हैं और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इनकम टैक्स के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है क्या वो इनकम टैक्स के अंतर्गत आती है या नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है, कृषि से जो आय होती है, वह बिल्कुल ही आयकर के दायरे से बाहर रखी गई है, ठीक है। और दूसरी, आयकर जब आपको देना है तो आयकर कितना लगता है, यानी 5 लाख तक आयकर से छूट है, 5 लाख से 10 लाख तक आपको कितने परसेंट आयकर देना है, 10 लाख से 25 लाख तक कितना आयकर देना है, 25 से 50 लाख तक, 50 लाख से 1 करोड़ तक इनकम में आपको कितना आयकर देना होगा, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्लियर। फिर इसके बाद एक्ट आता है हमारा, जो इसमें सिलेबस में दिया गया है वो है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट इसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। बच्चों का क्या है, ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं बच्चों से जुड़े हुए, उनके संबंध में, यानी पॉक्सो एक्ट बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहां से भी प्रश्न बनने के चांसेस बहुत हद तक रहते हैं। आजकल सरकार जो है इन चीजों पर बहुत ज्यादा इंफोसिस कर रही है। दूसरा एक और टॉपिक है हमारा इसमें, आत्मरक्षा का अधिकार। आत्मरक्षा का अधिकार, हालांकि ये टॉपिक आपका जो है वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक, ठीक है, धारा 96 से लेकर 106 तक हम आत्मरक्षा के अधिकार को पढ़ेंगे कि आत्मरक्षा का अधिकार क्या होता है, आत्मरक्षा का अधिकार किसे मिला है, आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, आत्मरक्षा का अधिकार जो है वो कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है, और आत्मरक्षा का अधिकार आप कब नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आत्मरक्षा से भी आपके 2 से 3 प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंडियन पेनल कोड, ठीक। अगला जो बिंदु है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भूमि से संबंधित विधियां, ठीक है, भूमि से संबंधित विधियां। तो भूमि से संबंधित विधियों में कौन कौन सी आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है भू अर्जन अधिनियम 2013, उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, ठीक, क्लियर। इतने एक्ट हैं जिन्हें हमें उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई के लिए पढ़ना है, लेकिन घबराइए नहीं, आपको लगेगा इतने सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूं, देखिए आइए, आईपीसी सीआरपीसी को सबसे ज्यादा हम फोकस्ड करके चलेंगे, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के जो तरीके हमारे होंगे, इनमें से जो टॉपिक ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन टॉपिक्स पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, एक एक
इंग्रेडिएंट्स को, एक एक आवश्यक तत्व को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, प्लस एग्जाम के पहले आपको हर सब्जेक्ट का वन लाइनर मैं दूंगा। क्या दूंगा? वन लाइनर फैक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार, मानव अधिकार। हाँ, एक इसमें एक्ट और रहेगा आपका, वो रहेगा बेटा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं इसको हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ठीक, तो इनको पढ़ने की जो तरीका होगा, पढ़ने का जो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं कि सब्जेक्ट इतने हैं। मैं आपको जो कह रहा हूं कि आप बिल्कुल आराम से और निश्चिंत होकर पढ़िए, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इसकी जवाबदेही मेरी है। लेकिन शर्त उसकी एक है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वन लाइनर फैक्ट मैं आपको दूंगा, लेकिन वो सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दूंगा, ताकि वो जो वन लाइनर फैक्ट होंगे हमारे खुद के लिखे हुए हैंड रिटन में है, हालांकि मैंने उसको टाइप करा लिया, हैंड रिटन नहीं है, टाइप करा दिया। उससे क्या हो, एक एक बिंदु आप एक घंटे के अंदर पूरी आईपीसी को रिवाइज कर लीजिए, एक घंटे के अंदर पूरी आईपीसी रिवाइज, एक घंटे के अंदर पूरी सीपीसी, यानी पांच घंटे के अंदर पूरा का पूरा होल, आप जो पूरा पाठ्यक्रम है यूपीएसआई का मूल विधि का, आप पांच घंटे के अंदर पूरा फिनिश, पूरा समाप्त, कोई फैन बट नहीं उसमें। परीक्षा से तीन दिन पहले, चार दिन पहले उठाइए और धड़ाधड़ पढ़ते चले जाइए, आप देखिएगा एग्जाम में। ठीक है, उसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें रहेगा वो है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, यानी जो जुडिशियल ओपिनियन है, जुडिशियल डिसीजन दिए गए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा और जो पूछे जाते हैं, उनकी सीधा सीधा सा आपको 50 से 55 केसेस की मैं एक शीट दे दूंगा आखिरी में, वो आप और उसको डिस्क्राइब कर दूंगा कि किस केस में क्या हेल्ड किया गया, किस केस में क्या कहा गया है। क्लियर, तो यहां पर ये सारा पाठ्यक्रम पर आज हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से, देखिए ये आपका सिलेबस है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये पूरा एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, आत्मरक्षा का अधिकार रहेगा, फिर भूमि से संबंधित विधियों में आपको ये तीन एक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, भू अर्जन अधिनियम रहेगा, यानी जो लैंड का एक्विजिशन होता है उस लैंड के एक्विजिशन के लिए आजकल हाईवे बन रहे हैं, सरकार क्या करती है, भूमि का अधिग्रहण करती है, तो भूमि के अधिग्रहण के लिए क्या होता है, आपको क्या दिया जाता है, प्रतिकर दिया जाता है, तो प्रतिकर का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता है, भू राजस्व के अंतर्गत जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता था किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, वहां पर जो मुआवजा दिया जाता था, प्रतिकर दिया जाता था, वो कम होता था। प्रतिकर पहले दिया जाता था कलेक्ट्रेट रेट पर, ठीक है, जो कलेक्ट्रेट का रेट होता था उसके हिसाब से, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, कलेक्ट्रेट रेट नहीं, भू राजस्व इसके अंतर्गत उन्होंने कहा जो सर्किल रेट होगा, यानी जहां पर आप भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं जिस जगह पर, उस जगह पर वर्तमान समय में उस जगह की मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू का चार गुना भूरा ये दिया जाने लगा है अब, यानी कहीं पर यदि जमीन चल रही है 20 लाख का बीघा, सपोज करिए 20 लाख है ना, तो 20 लाख के बीघे की जमीन में यदि वहां का सर्किल रेट ये है, मार्केट रेट ये है, तो उसका चार गुना आपको सरकार मुआवजा देगी, नहीं एक बीघे का 80 लाख रुपए आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन पहले का जो भू अर्जन अधिनियम था, लैंड एक्विजिशन एक्ट था, उस लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान पहले नहीं था, पहले कलेक्ट्रेट रेट का चार गुना, तो कलेक्ट्रेट रेट हमेशा बहुत कम होता था, यानी जिस जमीन की मार्केट वैल्यू 10 रुपए होती थी उसकी कलेक्ट्रेट रेट में मार्केट वैल्यू 1 रुपए रहती थी। ठीक है, तो अब वो वैसे भी कम मिलती थी, इसीलिए जो है ये सारा विरोध हुआ था बहुत पहले, तो जाके ये 2013 का अधिनियम लाया गया। क्लियर, अब आइए हम बात करेंगे आपसे कि दो सब्जेक्ट आपने देखे है ना, एक तो आपने देखा आईपीसी, ठीक, दूसरा आपने देखा सीआरपीसी। ठीक है, तो आईपीसी और सीआरपीसी में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्या होता है, बच्चों के मन में ये रहता है कि क्या ये एक ही है, दोनों अंतर नहीं है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बोथ सब्जेक्ट आर दी सेम, नो, बोथ सब्जेक्ट आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंस। एक क्या होता है कि ये फंडामेंटल रहा है
आईपीसी क्या है? मौलिक विधि है, मौलिक विधि। अभी बताते हैं कि मौलिक विधि क्या होती है। और सीआरपीसी क्या है? प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। हम काम करते हैं, ठीक है, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य किस अपराध का सृजन करता है? एग्जाम्पल के तौर पर, मैं, ये एक व्यक्ति है ए, ये एक व्यक्ति है बी, ठीक है। ए जाते हैं बी के घर पे, ठीक है। बी बोले ठीक है आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके आता हूं। ये बैठा के चाय नाश्ते का इंतजाम करने चले गए। ए महोदय ने देखा यहां एक टेबल पड़ी हुई है और इस टेबल पर एक अंगूठी जो है रखी हुई है, ठीक है, ये एक अंगूठी रखी है, मूल्यवान थी, सोने की थी, आज सोने की कीमत कितनी ज्यादा है। इन्होंने क्या किया, इस अंगूठी को यहां से उठाकर, ये एक ड्रॉज बनी हुई थी, इस ड्रॉज में इन्होंने यहां पर छिपा दिया, ठीक है। क्यों छिपा दिया? छिपा दिया तो इन्होंने क्यों छिपाया कि जब यहां नहीं रहेगी तो सोचेगा कहीं चली गई, बाद में मैं कभी, मेरा तो आना जाना है, आके मैं इस अंगूठी को यहां से उठा लूंगा। अब यहां पर ए ने कौन सा अपराध किया? ए ने एक अपराध तो कर दिया गुरु, लेकिन वो अपराध कौन सा है? अब देखिए, चोरी का ये अपराध है। कैसे है चोरी का अपराध? तो चोरी के अपराध में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की किसी चल संपत्ति की, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? चल संपत्ति, यानी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल। मूवेबल का अर्थ क्या होता है? विच कैन बी ट्रांसफर्ड इजली बाय वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कोई ऐसी संपत्ति जिसे आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरित कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं, वो क्या कहता है? चल संपत्ति। पहली क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की क्या कर रहा है? चल संपत्ति को क्या करे? बिना उसकी इजाजत के। किसकी इजाजत के? जो उस संपत्ति का ओनर है, मालिक है, जिसके कब्जे में वो संपत्ति है, ठीक है, कब्जे से। कब्जे के विरुद्ध अपराध होता है चोरी का, कब्जे के बाहर कर देता है, ठीक है, बाहर। कैसे करता है? बिना इसकी सहमति के, ठीक। चल संपत्ति को, मेरी चल संपत्ति थी, अंगूठी थी, मेरा दोस्त आया, उसने एक स्थान से ले नहीं गया है यहां पर, लेकिन इंटेंशन क्या है उसका, आशय क्या है कि बाद में आके ले जाऊंगा, जब यहां नहीं पाएगा सोचेगा कहीं गुम हो गई, मैं बाद में आके उठा ले जाऊंगा, मेरा तो आना जाना रोज का है, दोस्त है मेरा। यहां पर क्या है? आपने चोरी का अपराध किया, ठीक है, आपने क्या किया? चोरी का अपराध किया। कैसे किया? आपने कब्जे से हटा दिया, तो ज्यों ही कब्जे से आपने प्रॉपर्टी को हटाया त्यों ही चोरी का अपराध पूर्ण हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप अपने साथ ले जाइए, नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ थेफ्ट। इन द केस ऑफ थेफ्ट, एज सून एज यू रिमूव द प्रॉपर्टी फ्रॉम द पजेशन ऑफ द पर्सन हु हैज द पावर टू रिटेन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति के कब्जे से आपने ज्यों ही हटाया जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी थी, आपने चोरी का अपराध पूर्ण कर दिया, ठीक है। तो आपके द्वारा किया गया कृत्य किस अपराध का सृजन कर रहा है? आपने ये काम किया और आपके द्वारा किया गया अपराध किस अपराध का सृजन किया? चोरी का, ठीक है। तो उस अपराध की परिभाषा और इस चोरी के लिए दंड कितना रहेगा, इसकी व्यवस्था कहां की गई है? इसकी व्यवस्था की गई है आईपीसी में। किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य किस अपराध का सृजन करता है और उसके द्वारा उस अपराध के लिए दंड की क्या व्यवस्था है, ये कौन, ये क्या कहलाता है? प्रक्रिया, सॉरी, मौलिक विधि के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब दूसरा पक्ष, हमारे साथ अपराध हो गया, हमारी अंगूठी हटा दी गई, चोरी हो गई। अब एक प्रश्न यहां पर ऐसा आता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, क्या अपनी भी प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है?
क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न आता है, ये पूछा गया है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की, स्वयं की प्रॉपर्टी है मेरी खुद की प्रॉपर्टी, क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसका उत्तर होगा हां, मैं कह रहा हूं हां होगा। सारे लोग कहेंगे नहीं अपनी प्रॉपर्टी की कैसी चोरी गुरुजी, संपत्ति मेरी है, मेरी मोटरसाइकिल है, मैं लेके चला गया, कहा कि चोरी भैया कैसे, मैंने बताया चोरी किसके विरुद्ध अपराध है, कब्जे के विरुद्ध अपराध होता है चोरी। कब्जा किसका है, आपने अपनी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के लिए दिया है किसको, मैकेनिक को दिया है आप मैकेनिक को, भैया मेरी मोटरसाइकिल है सर्विसिंग कर देना, बहुत दिन से खराब चल रही है। मैकेनिक बोला ठीक है साहब रख जाइए, कल आइएगा ले जाइएगा मोटरसाइकिल, मैं सर्विसिंग कर दूंगा। मोटरसाइकिल उसके पास आप रख के चले आए, दूसरे दिन आप दोपहर में गए कि चलो भैया मैं मोटरसाइकिल अपनी उठा लाता हूं। आप जाते हैं, आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है दुकान के, चाबी लगी है, लेकिन जो ओनर है मकान दुकान का मैकेनिक वो दिख नहीं रहा कहीं पर आसपास। आपको इमरजेंसी थी, आपको देर हो रही थी कहीं जाने के लिए, आपने बिना उसको बताए आपने क्या किया, अपनी मोटरसाइकिल में किक मारे और चल दिए। यहां पर आपने क्या किया है, चोरी का अपराध। भले ही यहां संपत्ति आपकी है लेकिन ओनरशिप आपकी थी, पजेशन आपका नहीं था, स्वामित्व तो भले आपका था लेकिन कब्जा आपका नहीं था। तो कब्जा जिसका होता है स्वामित्व तो भी उसी का माना जाता है। यह हमेशा आप जान याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति का जिस संपत्ति पर कब्जा होता है स्वामित्व तो भी माना जाता है कि उसी का होगा। भले ही आप अपने दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर रास्ते में जाइए, लेकिन यदि पुलिस वाला पकड़ेगा तो आपसे ही गाड़ी के कागज पूछेगा, ये नहीं पूछेगा गाड़ी किसकी है, नहीं आपके पास है मीन्स गाड़ी आपकी है, ठीक है। तो पजेशन क्या होता है, जिसके पास होता है स्वामित्व भी उसी का माना जाता है। तो यहां पर अपनी भी संपत्ति की चोरी हो सकती है, क्लियर। अब यहां पर देखिए, एक पक्ष तो ये हो गया, यहां अपराध का सृजन हो गया मौलिक विधि में, आपने कृत्य किया, वो किस अपराध का गठन किया, चोरी का। तो जब कोई अपराध होता है तो दो पक्षकार होते हैं, एक होता है अपराधी जिसने क्या किया है, अपराध किया है, और दूसरा व्यक्ति होता है कौन, पीड़ित। पीड़ित का कौन, पीड़ित, पीड़ित मींस जिसके साथ अपराध घटित हुआ है, जिसके साथ क्या हुआ है, अपराध घटित हुआ है, जिसने अपराध, जिसके साथ अपराध हुआ है, पीड़ित। मैं, मेरी संपत्ति चोरी गई, मैं क्या हूं, पीड़ित हूं। अब मुझे क्या उपचार मिलेगा, मुझे क्या रेमेडी मिलेगी, मैं क्या करूंगा, चोरी हो गई मेरी मोटरसाइकिल, मैं क्या करूंगा, मैं भागकर किसके पास जाऊंगा, पुलिस के पास, मैं किसके पास जाऊंगा, पुलिस के पास, थाने जाऊंगा, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। अब यहां पर पुलिस के पास जो ही आप पहुंचते हैं त्यों ही सीआरपीसी का काम शुरू हो जाता है, प्रक्रिया शुरू। पुलिस के पास गए, पुलिस सबसे पहले देखती है कि अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है। पुलिस दो चीज देखेगी, क्या देखेगी कि अपराध संज्ञेय है या अपराध असंज्ञेय है। अभी बता रहा हूं दोनों शब्द, संज्ञेय और असंज्ञेय, ठीक है। संज्ञेय का अर्थ क्या होता है, संज्ञेय को इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और असंज्ञेय को कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय को आप कॉमन लैंग्वेज में यदि समझे, आसान भाषा में समझे, तो संज्ञेय का अपराध होता है गंभीर किस्म का अपराध और असंज्ञेय का अपराध होता है कम गंभीर किस्म का अपराध, ठीक है। संज्ञेय और असंज्ञेय, यदि टेक्निकल सेंस में हम समझे, यानी लॉ की भाषा में हम समझे, कानून की भाषा में समझे, तो संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। हत्या का अपराध हुआ, किसी ने किसी की हत्या कर दी, यह क्या है, संज्ञेय अपराध है।
इसमें मजिस्ट्रेट ये वारंट का वेट नहीं करेगी पुलिस कि जब साहब वारंट दे तब हम अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे। नो, असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध देन एंड देयर गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, जो ही उसको मिलेगा जहां अभियुक्त। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध क्या होता है? ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर ले। अब आप ये कहेंगे साहब ये कैसे पता चलेगा कि यह अपराध संज्ञेय है ये असंज्ञेय है? इसके लिए सीआरपीसी में पीछे शेड्यूल दिया गया है, वहां लिस्ट दी गई कि कौन से अपराध संज्ञेय होंगे कौन से असंज्ञेय। ये जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तब वहां पर ट्रेनिंग के दौरान आपको एक अधिकारी होता है, वो अधिकारी ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको ये बताएगा कि कौन से अपराध संज्ञेय होते हैं और कौन से असंज्ञेय होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पुलिस देखती है कि अपराध जो किया गया वो संज्ञेय है या असंज्ञेय। ठीक, तो पुलिस देखती है कि यदि अपराध संज्ञेय है तो यहां पर क्या लिखेगी पुलिस? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। ठीक है, एफआईआर दर्ज करेगी। किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है? सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत। सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत पुलिस क्या करेगी? एफआईआर दर्ज कर लेगी। और यदि अपराध असंज्ञेय है तो पुलिस क्या करेगी? एनसीआर दर्ज करेगी धारा 155 के अंतर्गत। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन। ठीक है, और एफआईआर क्या होता है? प्रथम सूचना प्रतिवेदन। यानी एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर होता है? एफआईआर केवल और केवल संज्ञेय मामलों में होती है, जबकि एनसीआर केवल और केवल असंज्ञेय मामलों में होती है। क्या एनसीआर एफआईआर में कन्वर्ट हो सकती है? क्वेश्चन आता है, ये पूछा जा गया है। आप मान लीजिए जीडी में पहुंचते हैं, इंटरव्यू में पहुंचते हैं, आपसे पूछ लिया गया कि आप एक थाना प्रभारी हैं, आप अपने थाने में बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति आपके पास आता है और वो बताता है कि साहब मेरे साथ चोरी का अपराध हुआ है। सोचिए, चोरी छोड़ दीजिए, चोरी संज्ञेय अपराध है। कहते हैं कि साहब इन्होंने हमें मारा है एक थप्पड़ मारना, यानी 323 का अपराध जो कि असंज्ञेय अपराध है। ठीक, आपने आपको प्रथम दृष्टया असंज्ञेय अपराध लिखा, समझ में आया, आपने धारा 155 के तहत एनसीआर दर्ज कर लिया। अब एनसीआर दर्ज करने के बाद आपने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी, मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है इन्वेस्टिगेशन करिए, रिपोर्ट लाइए। इन्वेस्टिगेशन करते करते आपको पता चला कि ये जो मारपीट का मामला था ये कैसा मामला है, ये असंज्ञेय नहीं बल्कि संज्ञेय मामला है। पहले नहीं पता था, प्रथम दृष्टि आपको असंज्ञेय दिखा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, विवेचना आपने की और विवेचना के दौरान आपको पता चला कि अपराध असंज्ञेय नहीं बल्कि कैसा है? संज्ञेय है। देन क्या वो असंज्ञेय जो एनसीआर आपने दर्ज की है, क्या एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं? आप कहेंगे यस, एनसीआर कैन बी कन्वर्टेड इंटू एफआईआर इफ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाउंड द केस वॉज एन कॉग्निजेबल। ठीक है, यदि अपराध संज्ञेय प्रतीत होता है विवेचना के दौरान तो जो विवेचक होता है, विवेचना अधिकारी होता है, वो एनसीआर को एफआईआर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात। तो एनसीआर और एफआईआर दर्ज होगा, फिर इसके बाद की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी विवेचना होगी, 161 के बयान दर्ज किए जाएंगे, फिर मामले का ट्रायल शुरू होता है, अभियुक्त की सुनवाई होती, वो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो कहां चलती हैं दोस्तों? वो तमाम प्रक्रिया चलती है आपकी इस प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत। तो स्पष्ट हो गया आपको कि कौन सी विधि क्या है, कौन सी विधि किस तरह से, यानी आईपीसी और सीआरपीसी में बेसिक डिफरेंस क्या है। आईपीसी क्या है बेटा? मौलिक विधि है जिसके अंतर्गत आपके द्वारा किया गया अपराध किस
अपराध आपके द्वारा किया गया कृत्य किस अपराध का सृजन करता और दंड की क्या व्यवस्था, जबकि सीआरपीसी हमारी क्या है प्रक्रियात्मक विधि, यानी पीड़ित जब पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस जब पहली कार्रवाई करती है मींस चाहे एनसीआर दर्ज करे चाहे एफआईआर, यहां से काम सीआरपीसी का शुरू हो जाता है, पुलिस का शुरू हो जाता है। तो पुलिस और न्यायालय का जो मिला जुला समन्वय है, मिला जुला कार्य करने की प्रणाली है, वो सारी कार्य प्रणाली कहां पर मिलती है सीआरपीसी में। तो अब स्पष्ट है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि दोनों में क्या अंतर है तो हमें उम्मीद है कि आप बता देंगे अच्छे से, ठीक है। आइए थोड़ी सी बात हम आपसे कर लें कि जो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में। एक तो प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे थ्योरेटिकल अंदाज में, आपसे सीधा सीधा सा उन्होंने रख दिया कि किस धारा में दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल उन्होंने पूछ लिया आपसे डोली इन कैपेक्स का सिद्धांत आईपीसी की किस धारा में है, धारा 81, धारा 82, धारा 83, धारा 84, ठीक। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये क्या है, ये आपका बिल्कुल थ्योरेटिकल अंदाज हो गया, ये थ्योरी बेस्ड, नथिंग, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। आपने सीधा, आपको पता डोलिन कैपेक्स धारा 82 क्या होती है, डोलिन इन कैपेक्स यानी कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र क्या है 7 वर्ष या उससे कम है, कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे कम है, ऐसे बच्चे को क्या माना जाता है, डोली इन कैपेक्स माना जाता है। डोली इन कैपेक्स का अर्थ होता है कि वह बच्चा पूरी तरह से अपराध करने में अक्षम माना जाता है। डोली इन कैपेक्स क्या होता है, अक्षम माना जाता है, ठीक। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है, आप एसआई सेलेक्टेड हुए, ट्रेनिंग कंप्लीट किए, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको थाना अलॉट कर दिया गया, थाना आपको कहीं पर शहर में मिला, गांव पे मिला, कहीं पर भी आपको थाना मिल गया, पुलिस स्टेशन आपको अलॉट कर दिया गया। अब उस पुलिस स्टेशन में आपके साथ कुल 22 सहकर्मी आपके हैं काम करने वाले, इंक्लूडिंग थाना इंचार्ज एसओ साहब हैं, उसके नीचे जो भी 2-3-4 एसआई हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मुहर्रर, हेड मुहर्रर, सब मिला के 22-23 लोगों की आपकी पूरी टीम है। एक दिन क्या होता, थाना अध्यक्ष साहब के यहाँ घर में शादी पड़ी थी, आपने जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन थाना अध्यक्ष महोदय रिलीव हो गए, छुट्टी लेकर उनके घर में शादी पड़ी थी चले गए। मौसम खराब चल रहा था, बीमारी थी, आपके 8 से 10 और साथी करीब बीमार हो गए, वो भी छुट्टी पर थे। आपके यहां थाने में उस समय कुल 11 सदस्य आप मौजूद हैं। आपको वायरलेस पर 112 नंबर पर फोन आता है कि कहीं इंटीरियर में हिंदू मुस्लिम का कोई जो है झड़प हो गई है, आज पहला दिन है आपने ज्वाइन किया है, उस थाने में उस समय सबसे सीनियर आप हैं पद के अनुसार, आपके सारे साथी नहीं है, आप अपने आप को मिला के कुल 11 लोग उस समय है थाने में मौजूद। आपको सूचना मिलती है कि कहीं पर हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई गुट जो है संघर्ष हो गया है, वहां करीब 400-500 लोगों की भीड़ जमा हो गई, अफरे हो सकता है, वहां पर दंगा हो सकता है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, आप आज ही ज्वाइन किए हैं, इतनी बड़ी समस्या आ गई, 11 लोग मात्र हैं आप थाने में, पूरा का पूरा थाना खाली भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम 3-4 लोगों को तो आप थाने पर छोड़ के तब जाएंगे, मूव करेंगे, सीनियरिटी के नाम पर आप हैं, आज ही आपने ज्वाइन किया, आप क्या करेंगे, अपने सीनियर को सूचित करेंगे या सीधा गाड़ी उठाएंगे निकल लेंगे 4-5 लोगों को लेकर मौके पर, ठीक। यहां पर आपको अपने सबसे बेस्ट जो अपना आईक्यू लेवल है उसका इस्तेमाल करना है कि कैसे हम परिस्थितियों को हैंडल करेंगे, कैसे हम उस परिस्थिति से निपटेंगे, ठीक। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, कैसे आपको इन्हें मैनेज करना, तो इन्हें मैनेज करने का तरीका आप अपने सीनियर को बताइए कि साहब ऐसी परिस्थितियां हैं और उसके बाद आप हमें बैकअप फोर्स भेजिए, हम मौके पर पहुंच रहे हैं। मौके पर पहुंचने पर आपको मौके की नजाकत को समझना है, भीड़ को कंट्रोल करना है, मास को कंट्रोल करना है,
उग्र नहीं होना है। आप उग्र होंगे, भीड़ उग्र हो जाएगी, बवाल हो जाएगा। आपका काम बवाल करना नहीं है, आपका काम शांत करना है। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है उस पर भी हम लोग आपके साथ चर्चा बराबर करते रहेंगे, हर एक्ट के साथ कि किस तरह से प्रश्न इन एक्ट से, किस तरह के प्रश्न जो है मूल विधि से आपसे पूछे जाएंगे। मैंने आपको बता दिया, मैं हर एक एक्ट का आपको वन लाइनर दूंगा, लेकिन बाद में दूंगा, और वो वन लाइनर मेरे खुद के लिखे हुए हैं, जो मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो लिखा था, हालांकि वो वन लाइनर अब हैंड रिटन नहीं है, ऑलरेडी दे आर प्रिंटेड, दे आर टाइप्ड। ठीक है, तो वो आपको हम देंगे, अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आपको देंगे जो बन सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एनालाइज करते हुए पढ़ेंगे, एक एक कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से मन लगा के मेहनत करिए। आपके लिए संस्थान की तरफ से एक बेहतरीन बैच, एकलव्य बैच का जो है वो संचालन किया जा रहा है, वहां पर आप अपने प्रवेश की प्रक्रिया को सुनिश्चित कराइए। प्रक्रिया मैंने आपको पहले भी बता दी थी, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इस नंबर पर ये संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको लिखना है एंट्री UPSI 2021 और भेज देना है, फिर टीम आपसे संपर्क करेगी, जो भी प्रक्रिया है वो आप फॉलो करते हुए आप अपनी संस्थान में सीट को सुनिश्चित करा सकते हैं दोस्तों, या यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर्स पे भी आप कॉल करके संस्थान में जो भी प्रवेश की प्रक्रिया है उससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद।